एनेक्सी सभागार में शुक्रवार को आयोजित मंडली उद्योग बंधु की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश देते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि उद्योग बंधु की बैठकों को और प्रभावी बनाए जाने तथा नियमित रूप से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक आयोजित की जाए और यदि किसी कारणवश बैठक में जिलाधिकारी उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो मुख्य विकास अधिकारी को बैठक में भाग लेने हेतु जिलाधिकारी नामित करे। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योग बंधु की बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को बुलाया जाए ताकि उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके। इस अवसर पर उन्होंने एजेंडावार विस्तृत समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रकरणों का निस्तारण प्रमुखता के आधार पर करें ताकि प्रकरण कर पुनरावृत्ति न हो सके। विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ODOP वित्त पोषण योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना वर्ष 2020-21 की प्रगति की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि बैंकर शासकीय योजनाओं में स्वीकृत आवेदन पत्रों के सापेक्ष वितरण समयबद्ध ढंग से करें, अनावश्यक विलंब न किया जाए। साथ ही निवेश मित्र पोर्टल पर स्वीकृतियों, अनापत्तियों, अनुमोदन की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने बताया कि निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित समस्याओं का ऑनलाइन निराकरण विभागों द्वारा किया जाता है। बताया गया कि गोरखपुर में 27 दिसंबर 2020 तक निवेश मित्र पोर्टल एक अजमेर व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के उपरांत कुल 11 मामले लंबित हैं। इसी प्रकार देवरिया में 1 तथा कुशीनगर में कुल 8 मामले लंबित हैं। आयुक्त ने लंबित मामलों पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि 100% मामलों का निस्तारण प्रमुखता के आधार पर किया जाए। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर में रेडीमेड गारमेंट हब विकसित करने के संबंध में बताया गया कि 12 जनवरी 2021 को उद्यमियों द्वारा एक सेमिनार कराया जाना प्रस्तावित है। मंडलायुक्त ने कहा कि कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत संबंधित विभागों की कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण सेमिनार में किया जाए जिससे रेडीमेड गारमेंट के क्षेत्र में भावी उद्यमियों को अधिक से अधिक संख्या में जागरूक कर जोड़ा एवं लाभान्वित किया जा सके। बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा राजीव रंजन, संयुक्त विकास आयुक्त डॉक्टर उग्रसेन पांडे, संयुक्त आयुक्त उद्योग एवं विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी तथा उद्यमी बंधु मौजूद रहे। अक्टूबर को हुई थी, इसी कार्य में 31 अक्टूबर को जारी कर दी गई थी। कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई? आपत्ति हुई थी सर। चार नहीं जैसे ये जो बिल थे वो कम रूप में रखना था सर। ऐसा हुआ था कभी कभी कोई आपत्ति की जरूरत नहीं पड़ती है सर। वैसे जो यहाँ निर्णय आपने लिया था वो मिनट्स में नहीं लिखा गया। आपने निर्णय कुछ लिया, निर्णय में लिखा गया कुछ, मिनट्स में कुछ लिखा गया। प्लॉट आवंटित हुए हैं गीडा में, तो उसमें हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मूलभूत सुविधाएं विकसित होने जाने तक आवंटन पत्र जारी ना किया जाए, क्योंकि आवंटन पत्र जैसे जारी करते हैं ब्याज और मेंटेनेंस सब कुछ लग जाता है, शुरू हो जाता है। तो CO साहब ने भी कहा था कि यहाँ बैठक में चर्चा हुई थी, उस दिन आपने भी बताया कि बोर्ड से भी बात हो गई है, जब विकसित हो जाएगा तो ऑलरेडी 0 प्लेस का ही हुआ। तो जो चीजें कही जा रही हैं उसमें उल्टा आपका निर्णय का नहीं, ऐसा करें एंडा से जब आप ड्राफ्ट बना लेते हैं सर का, तो अगर CO पीटर साहब और इनको भी दिखा दीजिए, कलेक्शन करके फिर उसके बाद ही मुझे दीजिए। ठीक ठीक, और इसको मतलब अपनी प्रोसेस में ले आइए। तो सर ये रेगुलर ध्यान रखेंगे, ये जो सुधार करने हैं उसको नोट कर लीजिए, अकॉर्डिंगली अमेंड कर लीजिए। ठीक ठीक, आज की मीटिंग निर्णय लिया कि नवामी गंगे से अगर रात्रि की मांग न की जाए तो जल्दी बना दिया जाए। तो हम लोगों ने इसका एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला था, कुछ पार्टी इंटरेस्टेड भी है, और इसका लास्ट जो बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, तो उसमें फाइनल हुआ था कि 20 करोड़ रुपया जो है शासन का आएगा और बाकी जो शेष पैसा गीला लगाएगा, और उसका जो वेट कराने के लिए नवामी गंगे को भेजा गया था। तो आज नवामी गंगे से निर्णय लगा एक अधिकारी किया वेट करा लेगा उसको, और मोस्ट प्रॉब्ली जब हम आर एफ करेंगे 10 दिनों के अंदर किस्त हो जाएगा, और इस वित्तीय वर्ष में उसका मतलब उसका शिलान्यास में काम शुरू हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा लगा उसका पीरियड है। तो बेसिकली आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे पर आपको डिपेंडिंग नहीं है सर, हम लोग ये तो चलाने वगैरह की फीस बाद में डिसाइड होगी ना? नहीं, तो उसका 15 साल तो OM किया है, हालांकि हम लगातार लग रहा है इसी संबंध में, हमारे पुलिस अधीक्षक माध्यम धोनी है, तो
सर जो रोड आरकोल वाली रोड सर चल नहीं पा रही है, वो क्या पूरी स्पीड से आती है, हैवी लोडेड गाड़ियां होती हैं, फिर उखाड़ के गिट्टी फेंक देता है। अभी लॉबी गाड़ी नहीं, आपके पीडब्ल्यू डी नहीं ये जो जीरो पॉइंट है, जीरो मतलब रास्ते से ही लोग उतरना भी चालू करते हैं, वो गलत है। उनको आगे से सर्कल से घुमा करके लेके आना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। इसी के वजह से गाड़ियाँ जो है आमने सामने हो जाती है और वहाँ पर जो है घंटों जाम लगता है। ये एसपी साहब वहाँ का बता रहे हैं जो कालेश्वर का जीरो पॉइंट है, या पुलिस थोड़ा सा एक बार कंट्रोल कर लेंगे ना, तो फिर उसके बाद लोगों को सिस्टम बन जाएगा कि उधर से आने वाली गाड़ियाँ हैं वो सर्किल तक घुमा दिए। एनएचएआई को आपने बुलाया नहीं है, दिन प्रकरण था तो एनएचएआई को यही बुलवा लेना चाहिए था। देखिए जिससे संबंधित प्रकरण होता है उसको भी बुलवा लिए। साथ साथ एनएचएआई को जब बुलाएंगे, रोड आते वक्त बहुत डर लगता है और कभी भी कोई आता नहीं, बहुत पतला बीच में डिवाइडर है, गाड़ी हमको बीच में खड़ी करनी पड़ती है, दोनों तरफ से गाड़ियां चलती है। ये ब्लैक स्पॉट पहले भी मार्क कराया गया था लेकिन इस पर कभी भी कोई काम नहीं हुआ, कोई भी अधिकारी जो है सीओ पीटा के साथ एसपी ट्रैफिक साहब के साथ बैठ के एक बार वार्ता कर लेंगे और इसको एक वीक में करके इसका निस्तारण कर जो भी किया जा सकता है। जो समस्या है ऊपर से फंड लाने की आवश्यकता है, इसमें छोटा सा काम। नेक्स्ट